अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल और आप देख रहे हो एफएस फील्ड पर। तो यार अभी आया हूँ मैं ग्राउंड में घास लेने, क्योंकि हमारे आपको पता तो है ग्राउंड में घास नहीं अभी उग रहा, क्योंकि मैंने मशीन मारी थी ना, तो जिसकी वजह से अभी नया घास नहीं उग रहा। तो हमने क्या, क्यों ना यार रैबिट्स का इधर से ही घास लेने आ जाते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा घास उगा हुआ है। तो इस तरह करते हैं, यहीं से ना रैबिट्स का घास थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि अभी वो भूखे भी, उनको मैंने खोला नहीं ना ही मुर्गियों का भी खोला है। तो इस तरह करते हैं, यहाँ से अभी थोड़ी घास लेते हैं और चलते हैं रैबिट्स के पास, उनको डालते हैं, मुर्गियों वगैरह को खोलते हैं। तो चलो यार यहाँ से मैं घास काट लेता हूँ। तो यार हमने घास तो फाइनली काट ली है, इस तरह करते हैं अब घास उठाते हैं और चलते हैं। और यार ये घास का साइज़ भी बहुत बड़ा, यहाँ से ले गए यहाँ देखो। तो चलते हैं अब इनको ले कर रैबिट्स के पास और रैबिट को डालते हैं कि वो खा पी लें यार। चलो चल लेते हैं। ओए होए यार, जो यहाँ मॉर्निंग टाइम में फूल खिलते हैं ना, क्या ही बात है यार। दिखाऊं आपको ही फूल, एक मिनट ये मैं आपको फूल दिखाता हूँ यार, इतने प्यारे फूल, इतने ज्यादा सारे लगे हैं। यार बहुत ही लेवल के फूल हैं यार पीछे, है ना, आप भी देखिएगा, बड़े कमाल लग रहे हैं। यार हम पहुंच चुके हैं अपने सेटअप पे घास लेके, अब जल्दी से डालते हैं घास। मुर्गियों ने तो खाना नहीं, उसे कभी कभी खा लेती हैं, लेकिन हम रैबिट्स को डाल देते हैं जल्दी जल्दी। लो भाई रैबिट्स, हमारा खाना तो ओ ताला लगा है। चलो एक मिनट ताला खोल देते हैं, लेकिन इससे पहले मुर्गियों को खोल देते हैं। और जो इनका भी दाना डाल देते हैं, मुर्गियों के तो फीड आ गए। चलो मुर्गियों खा लो, क्या करते हैं हम इनको रैबिट्स को खोल देते हैं, ये भी थोड़ा चल फिर ले खा लें। लो रैबिट्स तुम भी आ जाओ। नो तो भाई इतना बेताब होता है ना, टांगे मारता आगे से। आ जाओ आ जाओ, घास उधर है, इधर कहाँ रहे हो? मुर्गियों का आके इन्होंने जरूर तंग करना होता है, इनका बस यही काम है, अपना छोड़ के मुर्गियों की तरफ आ जाएंगे। दाना पता नहीं सोच सकता, वो मुर्गी मारी क्या, मारा है अभी इसको, खा ले चले, शाबाश। इस तरह अच्छे बच्चे ब्राउनी मेरी थोड़ी थोड़ी बात सुनती है, ये देखो खाने लग पड़ी। यार ये देखो हम कल ये लेके आए हैं नए प्लांट्स, क्योंकि यार ये हमने दो बेलें लगाई थी ना, इनका तो पता ही नहीं चल रहा, मैंने कहा ये पता नहीं कब फैलनी है, क्यों ना और बेलें लाई जाए। इस वजह से मैं रात को जाके ना, रात को क्या शाम का टाइम ही था जब मैं गया था इसे लेने, और दो से तीन मम्मा को पसंद आई, मम्मा ने वो घर में लगा ली, और दो से तीन पौधे वो पड़े हुए हैं, वो भी आज हमने लगाने हैं इस जगह पे। और आज हमने ये सारे प्लांट इसमें उठा भी मैं इसी वजह से हूँ सुबह सुबह, यार जब ठंडा मौसम होता है तो सुबह सुबह उठ के लगा दूँगा। और आज हमने ये सारी ना नए प्लांट जो है ना हमने इधर लगाने हैं, कि यार जल्दी जल्दी से फैले और ये जाली सारी कवर कर ले। और यार जाली से आता है, ये देखो मैंने अंगूर के बेलों का जाल डाला, ये तो मैंने आपको दिखाने ही भूल गया था यार, ये देखो कि हमारी जो बेलें होंगी ना वो सारी इस जाल पे आ जाएंगी। और इसकी छत भी बन जाएगी, काफ़ी प्यारी लगेगी यार, क्योंकि हमारी बेलें काफ़ी ये देखे बढ़ चुकी थी ना, उसको मैंने ऊपर ये जाल पे चढ़ा दिया, किस तरह ना इसकी छत बन जाए यहाँ से। यार ये मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी से फैले, काफ़ी ये प्यारी लगेगी। हाँ अगर टाइम हुआ तो आज हमने इसको डबल कोड भी कर देंगे, क्योंकि यार 102 दिन हो गए मैं इसको नहीं कलर कर पा रहा, क्योंकि यार टाइम ही नहीं होता, अगर हो सके तो आज कर देंगे। और इतनी गर्मी शदीद होती है ना कि यहाँ पर भी नहीं खड़ा हुआ जाता, इसलिए अगर टाइम मिला तो कर देंगे, नहीं तो फिर 1-2 दिनों बाद फिर कर देंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आज ही ये पेंट भी हो जाए, ताकि यार हमारा जल्दी जल्दी से काम हो और फिर नए से नए परिंदे हम ले कर आएँ। तो यार मैंने डिसाइड किया कि हम एक बेल लगाएंगे यहाँ पे अंगूरों वाली, एक इस नुक्कर पे लगाएंगे, ये ना पिंक फूलों वाली कोई बेल है, तो मैंने सोचा इसको एक ही क्या लगाते हैं, और एक ये पौधा इधर आ गया, और ये तो हमने बेल पहले से लगाई हो, और यहाँ कोई और ना देखते हैं बेल तो हो सके तो यहाँ पर भी एक लगा देंगे। और अभी मैंने ना वो इसके सुराख करना भी शुरू कर दिए हैं, अब जल्दी से सुराख करते हैं और बीच में बेलें हैं सारी लगाते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि धूप निकला यार काम नहीं होना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यार मैं शुरू करता हूँ फिर से काम करना। तो यार हमारा एक सुराख तो निकल चुका है, जो हमने लगानी है ये वाली बेल, पिक फूलों वाली बेल लगानी है हमने, जहाँ
लेकिन यार बहुत मुश्किल है यार, इतने ज़्यादा पत्थर निकले हैं इसके अंदर से। लेकिन मैंने जब सारी गुलाई करके ना नरे मिट्टी बिल्कुल कर दिया, जितने पत्थर थे मैंने सारे निकाल दिए। अब जल्दी जल्दी से ये मैं कहता हूँ कट्ठी बेले लगाएंगे, पहले इसका भी सुराख निकाल लेते हैं और उसका भी सुराख निकाल लेते हैं, जल्दी से करते हैं बाकी सुराख भी करते हैं और अपनी बेलें वापस बीच में जल्दी से लगाते हैं। तो यार हमारे तीनों सुराख हो चुके हैं पूरे, अभी सिर्फ तीन सुराख किए हैं और थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अभी तो इनको लगाना भी है, हो सका तो गमला तोड़ेंगे, नहीं तो अगर उस तरह निकल गया तो हम उसी तरह ही लगाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि गमला ना तोड़ूँ, क्योंकि उसी तरह ही लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जल्दी से इन गमलों से पौधों को बाहर निकालते हैं और ज़मीन में लगाते हैं। दोस्तों हमारी दो बेलें लग चुकी हैं और हम नई से नई बेल लगा रहे हैं, उनके इनके काम देखे, ये हमारी बेलें खाई जा रहे हैं। चल भाग, इतने ज़्यादा पत्ते थे, आखिरी ये दो पत्ते बचे थे, उसने एक ये भी खा लिया हमारा पत्ता, सिर्फ अब ये रहेगा, उसको भी हमें जाली से ढांपना पड़ेगा वरना इन्होंने ये भी खा लिया। सुकान देखो सब कुछ डाला हुआ है फिर भी इन्होंने पत्तों को छेड़ना, फिर बाज नहीं आती। तो यार हमारी बेलें तीनों लग चुके हैं, दो बेल और एक पौधा लगा है हमारा, और इनको मैंने बांध भी दिया साथ ही धागे के इस तरह आगे पीछे गिर ना सके। और बस अभी इनको पानी डालना जल्दी से, और क्योंकि ये सूखी हुई है मिट्टी सारी, इनको भी जल्दी से पानी ला के डालते हैं। और हमारे स्नो ब्लोनी ने ये काम किया है कि इन्होंने ना ऊपर तो पत्ते ख़त्म हो चुके हैं, इन्होंने सारे खा लिए, नीचे से इन्होंने ना ये खाना शुरू कर दी है, इसकी खाल होती है ना, मैंने डर के मारे जल्दी जल्दी से मिट्टी लगा दी है, क्योंकि मुझे डर था कि ये ना हो कि हमारी पूरी ही बेल सूख जाए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बेल ही है, क्योंकि अब ये इतनी हुई है और वो इतनी हुई है और हमारी सबसे बेल बड़ी ही बेल थी। मैंने डर के मारे मैंने कहा जल्दी जल्दी से मिट्टी चलो लगा देते, मुझे नहीं पता क्या होगा, बस अब ये तबाह करते हैं कि सूखे ना। और हमारे पास ये तीन बेलें बच चुकी हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ हम गली में लगा देंगे, वो आगे गली है ना, क्योंकि हमने आस्ता आस्ता वो भी यूज़ में लानी है, तो मैंने सोचा फिर वहाँ ये दो बेलें लगा देंगे। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अभी मैंने ये तीन ही लगाए हैं, अभी एक आगे भी लगेगा क्योंकि ये भी बेल है, उसके सेंटर में एक लगेगा और पौधा। बस अब जल्दी पहले इनको पानी डालते हैं और फिर आगे वाला काम करेंगे। तो यार मैंने सबको पानी शानी भी डाल दिया, मुझे लग गई है बहुत ही ज़्यादा भूख, अभी पहले मैं सबसे पहले नाश्ता करूँगा फिर ही अगला काम छेड़ूंगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ नाश्ता करने और उसके बाद हम नया काम स्टार्ट करेंगे। तो यार हमने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है, लेकिन यार एक मसला हो गया, अब निकल आई है बहुत ही ज़्यादा धूप, जिसकी वजह से मैं इसे धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो मैं यही सोचा है कि थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम नया अपना काम शुरू कर देंगे जो हमने और पौधे लगाने हैं। तो इस तरह करते हैं, थोड़ा पहले धूप का कम होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी सर पे बिल्कुल आज के धूप, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना काम आगे शुरू करते हैं। धूप जो है ख़त्म हो चुकी है, अब जल्दी जल्दी से हमने अपना काम करना है और हवा चलने लग पड़ी है। मौसम तो बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया, लेकिन यार ये काम नहीं ख़त्म हो रहा, हमें इसको आज पूरा करना पड़ेगा, अभी इसके बाद ही कोई काम हो सकता है। तो यार हवा तो बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है, तो क्यों ना हम यार अपना काम निपटा लें, हमारी कुछ बेलें रह गई हैं और बस ये यहाँ सुराख करना है, जहाँ हमने थोड़ा अपना वो बड़ा वाला प्लांट लगाना है जो उधर पड़ा हुआ है, और दो गली में बेलें लगानी है, एक अंगूर की रख लेंगे, जब ये हो थोड़ी बड़ी होगी इसका हिसाब लगा के कहीं और लगा देंगे। तो यार यहाँ पर पहले सुराख करना शुरू करता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यार हमारे सुराख तो हो चुके हैं, सिर्फ अपने हमने लगाने हैं पौधे, एक पौधा तो मैंने रख दिया सुराखा, और यहाँ से दो बेलें उठा लेते हैं,
जो हमने लगानी है वहाँ पे। घर बेलें तो उठा ली हैं, मैं जा रहा हूँ उधर गली की तरफ। मैंने बताया था आपको गली में लगानी है। अभी गंचन यहाँ पड़ा होगा, मैंने सारी सफाई करनी है क्योंकि आस्ते आस्ते हमने गली भी यूज़ में लानी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम फूलों वाली बेल लगाएंगे इस सुराख में गली के स्टार्ट में, और उस तरफ हम लगाएंगे ये वाली बेल। इसका नाम ये सेरा बेल है, मुझे नहीं पक्का पता, लेकिन मुझे वो नर्सरी वाले ने बताया था इसका नाम सेरा बेल है, तो होगी वही। और इस सुराख में हम लगाएंगे ये वाली बेल। तो यार जल्दी जल्दी से इसको निकालते और इसमें लगाते। तो यार घर वाले तो कह रहे हैं आप ये पौधे यहाँ पे ना लगाओ, यहाँ पे भी अंगूरों की बेल लगा लो, क्योंकि मेरे पास आखिरी अंगूरों की बेल पड़ी थी, उनका ये यहीं पे लगा लो, ये अच्छी भी लगेगी। तो मैं फिर सोच रहा हूँ ये अंगूरों की बेल ही यहाँ लगा देते हैं, ये ऊपर चढ़ेगी ना, तो ऊपर जो हमने जाल लगाया हुआ है ना उस पर चढ़ जाएगी, और जब इस पर फल लगेगा तो वो तो ज़्यादा ही सारा लगेगा इसलिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ना अंगूरों की बेलें लगाएंगी, क्योंकि कल को फैलेंगी भी तो काफ़ी प्यारे लगेंगी। तो इस तरह करते हैं, यहाँ पे अंगूरों की हम बेल लगा देते हैं। यहाँ हमारी ये वाली बेल भी लग चुकी है, अब चलते हैं अपनी अगली बेल की तरफ। यार जल्दी से बेलें लगाते हैं और फारग होते हैं, क्योंकि यार अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और क्या आर्मी का भी टाइम हो रहा है। जल्दी जल्दी से यार ये एक ये बेल और एक ये बेल लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, और जल्दी जल्दी से फारग होते हैं। हमारी यार बेलें तो सारी लग चुकी हैं, लेकिन एक बैड न्यूज़ आई है। घर वाले बता रहे हैं कि जो हमारे पास दो नन्हे मेहमान आए थे ना, उनमें से एक को कुछ हो गया। तो मैं जल्दी से जा रहा हूँ घर में देखने यार उनको क्या हुआ है। तो चलो चलते हैं देखते हैं यार, इसे पता नहीं क्या हुआ है, गिरा पड़ा है अंदर, मुझे तो समझ नहीं आ रही। भी तो बिल्कुल सही था, ये देखो यार, ये हमारे पास किसी की इमानत थी, पता नहीं इसे क्या हो गया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, अभी अच्छा भला था एकदम ही, अभी भी सांसें चल रही हैं, आँख भी खुली हुई है, पता नहीं क्या हुआ यार इसे। यार उठ जा भाई, ये मुझे लग रहा है आखिरी सांसों पे इसका बचना तो मुश्किल ही है, अब क्या कर सकते हैं यार। ये उम्मीद कर सकता था कि सही हो जाए, लेकिन क्या करें, अब समझ नहीं आ रही कुछ यार, बहुत बुरा हो गया यार, समझ नहीं आ रही अब क्या मैं करूं। इतना प्यारा था यार, ये दो ही थे हमारे पास, अब वो अकेला हो गया, वो चूं चूं कर रहा है, और ये बेचारा मरने वाला यार, कोशिश ही कर सकते हैं बच जाए। ये देखें गर्दन भी फेंक दी इसने अपनी। तो यार ये हमारे पास किसी की अमानत थी, पता नहीं इसे क्या हुआ, लेकिन अब कुछ कर तो सकते नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो यार दोस्तों आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नए व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।